अरे आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कथा में, जो कि हम लोग कर रहे हैं चक्रेश्वर तीर्थ में बैठ के। हम लोग एक बहुत ही अद्भुत विशेष स्थान में, चक्रेश्वर महादेव के मंदिर में है। ये है नाला सोपारा, मुंबई से 26 माइल, कितना किलोमीटर होगा, मतलब 39-40 किलोमीटर दूर। नाला सोपारा में ये महादेव का मंदिर है। पहले इसको सोपारा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, विजिट किए थे, और चक्रतीर्थ भी है यहाँ पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण, आदि लीला के चौथे अध्याय के 172 नंबर श्लोक में चर्चा। कल हमने चर्चा किया कि जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। अतएव गोपी गण नाहि काम गण, कृष्ण सुफला की मात्र कृष्ण से संबंध। दस देर इज नॉट द स्लाइटेस्ट टेंट ऑफ लस्ट इन द गोपीज लव, देयर रिलेशनशिप विद कृष्ण इज ओनली फॉर द सेक ऑफ हिज एंजॉयमेंट। इस प्रकार से गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसमें थोड़ा भी काम वासना नहीं है। पूर्ण रूप से वो कृष्ण के साथ जो उनका संबंध है, वो केवल और केवल कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए, इसलिए वो शुद्ध प्रेम। अब इस चीज को प्रमाणित करने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक को यहाँ पे कोट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी गोपियों के इस प्रेम को वर्णन करते हुए भागवत को बताते हैं। यत्ते सुजात चरणाम कुरुहम स्तनेषु, भीता सनय प्रिय धीमहि कर्कशेषु, तेनाटवी मत शितते न किम स्वित, पूर्पादिभिर् नमति धीर भवदायुषाम। ट्रांसलेशन। ओ डियरली बिलेवर्ड, योर लोटस फीट आर सो सॉफ्ट दैट वी प्लेस देम जेंटली ऑन आवर ब्रेस्ट, फियरिंग दैट योर फीट विल बी हर्ट। आवर लाइफ रेस्ट ओनली इन यू, आवर माइंड्स देयरफॉर आर फिल्ड विद एंग्जायटी दैट योर टेंडर फीट माइट बी वुंडेड बाई पेबल्स एज यू रोम अबाउट ऑन द फॉरेस्ट पाथ। दिस टेक्स्ट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10:31-19 वाज स्पोकन बाय द गोपीज व्हेन कृष्ण लेफ्ट देम इन द मिडस्ट ऑफ द रासलीला। तो रासलीला के दौरान जब भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, तो गोपियाँ 31वें अध्याय में इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि उनका जो समस्त पूरा जीवन है, वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान कृष्ण न केवल जो गोपियां हैं, बल्कि जो मदरली अफेक्शन रखने वाली, वात्सल्य प्रेम रखने वाली गोपियां भी हैं, यशोदा मैया, रोहिणी माता और अन्य जितने भी ब्रज के भक्त हैं। भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होता था कि उनको कोई किसी प्रकार का दुख ना मिले, तो वो हमेशा चिंता करते रहते थे। भगवान कृष्ण कहीं भी जाते थे, विशेष रूप से गो चरण के लिए, तो उनके मन में कॉन्स्टेंट एक एंग्जाइटी बना रहता था। भगवान के चरण कमल इतने सॉफ्ट हैं, तो वो कैसे जो जंगल के पथ हैं, उनके जो कंकड़ हैं, उनको कैसे सहन कर पाते होंगे, इस प्रकार से वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते थे। जबकि वृंदावन के जो रज है, रज रज है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, पाउडर से भी ज्यादा सॉफ्ट है वहाँ का रज, इतना तो कोमल है। लेकिन उसमें भी गोपियों को हमेशा ही चिंता बनी रहती थी। ये श्लोक है, ये प्रमाणित करता है गोपियों के हृदय में भगवान को किसी प्रकार का दुख ना मिले और केवल सुखी सुखी मिले, इसका उनको चिंता रहता है। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार। द गोपीज डू नॉट केयर फॉर देयर ओन प्लेजर्स और पेन्स, ऑल देयर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड ऑफरिंग एंजॉयमेंट टू लॉर्ड कृष्ण। आत्म सुख दुख के गोपी नहीं का विचार, अपने खुद के सुख और दुख के बारे में गोपियां जो है विचार नहीं करते हैं। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, उनके जो भी कार्य है, शारीरिक और मानसिक जो कार्य है, वो केवल और केवल कृष्ण को सुख देने के लिए ही अर्पित होते हैं। यानी अगर कृष्ण को सुख मिले, इसके लिए अगर उनको शारीरिक या मानसिक सुख मिलता है, तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे, और अगर शारीरिक या मानसिक दुख मिलने से कृष्ण को सुख मिलता है, तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे, और अगर कृष्ण को दुख मिलता है किसी उनके सुख से, उसको त्याग देंगे।
और अगर कृष्ण को दुख मिलता है किसी उनके दुख से, तो उस दुख को भी त्याग दे। यानी केंद्र बिंदु कौन है? भगवान कृष्ण। जैसे ये चारों चीज सुख दुख, तो जो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं, शुद्ध भक्त ना तो भौतिक सुख से आसक्त होते हैं, ना तो भौतिक दुख से आसक्त होते हैं। भौतिक दुख तो ऐसे होता ही नहीं है, लेकिन जैसे तपस्या बोलते हैं कि अगर भक्त लोग तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या होता है? भगवान कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। भगवान अगर प्रसन्न है किसी तपस्या से तो भक्त लोग वो तपस्या करते हैं, और अगर किसी तपस्या को करने से भगवान प्रसन्न नहीं है तो भक्त लोग उससे आसक्त नहीं होते हैं। अपने आप को ये नहीं कि मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी हूँ, उस तपस्या को भी त्याग देते हैं। लेकिन यानी केंद्र में क्या होता है? भगवान का सुख। तो उसके लिए विशेष रूप से जो ब्रज के भक्त है, उसमें भी विशेष रूप से जो गोपियां हैं, वो अपने सुख और दुखों को भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, और अपने सुख या दुखों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार तैयार है, और कृष्ण के सुख पर निर्भर करते हुए। कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। दे रिनाउंस एवरीथिंग फॉर कृष्ण, दे हैव प्योर अटैचमेंट टू गिविंग कृष्ण। कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, जो भी चीजें हैं वो हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। और कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग, और भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है वो तो कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। भौतिक संसार में जो आसक्ति होती है हमको किसी भी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ या स्थान के साथ, तो बाहरी रूप से भले ही कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे परिवार वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप, या मेरा देश है, स्थान, मेरा क्षेत्र है, मेरा समाज है, या ये वस्तु है, मेरी वस्तु है, तो ये सब बाहरी रूप से बोलते हैं ऐसे प्रेजेंट प्रस्तुत करने के लिए जैसे उनको उस व्यक्ति, वस्तु या उस समाज या उस स्थान से प्रेम, उसका हित चाहते। लेकिन ऐसे बहुत ही जगत में होता नहीं है। वास्तव में किसका सुख चाहते हैं? वो खुद उससे कुछ सुख प्राप्त कर रहे हैं किसी व्यक्ति से। जब तक आप इस संसार में किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति से जब तक सुख मिलता है, तब तक वो उससे आसक्त रहता है। किसी वस्तु से जब तक सुख मिलता है, तब तक उस वस्तु से आसक्त रहता है। आप बोलेंगे कि कई बार तो ऐसा होता है गुरु जी कि कोई वस्तु जो है नष्ट हो जाती है, फिर भी लोग आसक्त रहते हैं, उससे क्या सुख मिलेगा? उससे ये सुख मिलता है, अहंकार के स्तर पे भी सुख होता है, ये वस्तु मेरा है, मेरे क्षेत्र में जन्म हुआ है, मैंने बनाया है, पूर्वजों से चली आ रही है, स्थान है। जैसे कि कोई ऐसे स्थान में जन्म लिया है जहाँ पे, नहीं नहीं उनका स्थान तो दिव्य है, अयोध्या धाम। तो अगर किसी का जन्म धाम में हुआ है तो फिर विशेष बात, वो फिर धाम से, स्थान से आसक्त हो सकता है, अयोध्या में, वृंदावन में, मायापुर में जन्म हुआ है तो अपने जन्म स्थान से ही आसक्त हो सकता है। लेकिन अगर किसी का ऐसा भी पाया गया है कि कोई व्यक्ति बहुत ही खराब स्थान में भी जन्म लिया है, वहां पे उसको दुखी मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको आसक्ति बनी रहती है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अहंकार शारीरिक और मानसिक कष्ट भी मिलता है तब भी उसको सहन कर लेता है, क्योंकि अहंकार को तृप्ति मिलती है, इसलिए उसको त्याग करना। लेकिन गोपियों के केस में कैसा है कि वो कृष्ण को सुख देने के लिए एक समस्त प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, क्षेत्र, स्थान, समाज को त्याग करने के लिए तैयार है। ये इसलिए उनके ये जो त्याग, और यहाँ पे तो त्याग का बताया गया, कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, तो हम इसका दूसरा मतलब भी समझ सकते हैं, कृष्ण लागी आर सब करे स्वीकार। अगर कृष्ण को कुछ चीज सुख देती है तो उसके लिए स्वीकार भी कर सकते। गोपियां जो है टॉप मोस्ट ज्ञानी भी थी, मालूम है ना आप लोग, ज्ञानी, क्योंकि उद्धव को भी ज्ञान दिया था। आप भागवत पढ़ेंगे गोपियां जब ब्रह्म ज्ञान बोलती हैं तो सच में ऐसा लगेगा कि उन्होंने बहुत शास्त्र भी पढ़े, तो ज्ञान भी बहुत था। और जिसके पास ज्ञान होता है विरक्ति होती है, तो विरक्त जो लोग होते हैं उनको अगर आप भौतिक सुख सुविधा दोगे तो स्वीकार करने में हेजिटेट करते, लेकिन गोपियां ऐसे नहीं थी, या ब्रज के भक्त ऐसे नहीं। अगर कोई भौतिक सुख सुविधा है वो स्वीकार करने से कृष्ण का सेवा हो सकता है, कृष्ण को प्रसन्नता मिल सकती है, तो उसको तुरंत स्वीकार कर ले। इसलिए गोपियां अपने आप को बहुत श्रृंगार करती थी, सजाती थी, ऐसा नहीं कि देहात्म बुद्धि में थी। इसलिए हम लोग इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीव होते हैं, हम अपने शरीर को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि, हम अपने आप को शरीर समझते हैं और ये सोचते हैं कि इसको अच्छा बना करके हम सुख प्राप्त कर लें। लेकिन गोपियां देहात्म बुद्धि में नहीं थी, वो असली बुद्धि में थी। ये शरीर कृष्ण का है,
देहात में बुद्धि का जो है वो तो पूरी तरह से मोह है, पूरी तरह से माया है, जो अपने आप को शरीर समझता है। उससे एक स्टेप ऊपर है जो कि अच्छा है, जो ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना, वो एक स्टेप ऊपर है, अच्छा है। तो आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़े। लेकिन गोपियों के केस में कैसे है, ना तो वो देहात्म बुद्धि में है, ना तो इस बुद्धि में है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा, वो इस बुद्धि में है कि ये शरीर और आत्मा सब कृष्ण का। इसलिए तो जो व्यक्ति देहात बुद्धि में होता है वो शरीर का बहुत रख रखाव करता है, शरीर को सुख प्रदान करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ के सोचता है कि मुझे भौतिक सुख मिलेगा इंद्र तृप्ति से। और जो देहात बुद्धि में नहीं होता है, आत्मा के स्तर पे होता है, वो सोचता है शरीर तो सब नश्वर है, नष्ट हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको तृप्त करने से हमको असली तृप्ति नहीं मिल सकती है। तो वो भौतिक जो एंजॉयमेंट है, भोग वृत्ति, उसको त्यागता है, शरीर को कंफर्ट नहीं देता है, तपस्या करता है, विरक्त हो जाता है, सन्यासी बन जाता है। लेकिन जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, विशेष रूप से गोपियां, तो वो उससे भी ऊपर है, जो जानते हैं ये शरीर और आत्मा सब कृष्ण के लिए है। तो अगर इसका इस्तेमाल, इसको किसी प्रकार से रखने में कृष्ण को सुख मिल सकता है, तो उसको तुरंत स्वीकार। ऐसे ही प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी भी ब्रज है ना, ब्रजवासी है, शुद्ध भक्त, ब्रज के शुद्ध भक्त। तो वैसे ही लक्षण प्रभुपाद जी के अंदर पाया जाता है। प्रभुपाद जी एक बार एक जगह प्रवचन दिए और कुछ लोग डोनेशन ला के दिए, तो कुछ मायावादी सन्यासी के भी गुरु, मायावादी सन्यासी गुरु के भी कुछ लोग थे शिष्य, तो वो प्रभुपाद जी के पास आके बोलते हैं कि हमारे गुरु जो है परम विरक्त है, वो कभी भी धन को स्वीकार नहीं करते, माया है, माया है, वो स्पर्श भी नहीं करते। धन कोई अगर लाके देता है, दिखाता भी है, तो माया माया बोल के साइड उतर, इतने विरक्त। तो प्रभुपाद जी बोले कि लेकिन मैं तो पूरा धन चाहता हूँ, आप पूरे संसार का धन ला के दे दो मुझे, सब कृष्ण के सेवा में लगा दो। ये होता है तीन स्तर के लोग, समझ गया, देहात्म बुद्धि, आत्मबुद्धि और कृष्ण बुद्धि। देहात्म बुद्धि मतलब जो देह को ही यार अपना आत्मा समझता है, देहात्म बुद्धि। और आत्मबुद्धि मतलब मैं आत्मा, आत्मिक बुद्धि बोल सकते हैं। और कृष्ण बुद्धि मतलब सब कुछ कृष्ण का है, तो वो गोपियों का स्तर है, तो हम सोच भी नहीं सकते वो किस स्तर पे। तो इसलिए जो कृष्ण बुद्धि यानी जो गोपियां हैं, जो ये समझती हैं कि शरीर और आत्मा सब कृष्ण का है, और वैसा व्यक्ति जो देहात बुद्धि में है, तो बाहरी कार्यकलाप से दोनों सिमिलर दिखते हैं। देहात बुद्धि वाला व्यक्ति भी शरीर को रखरखाव करता है, उस इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, अपने समाज परिवार वाले शासन करता है, और जो कृष्ण के लिए कृष्ण बुद्धि रखते हैं, तो वो भी शरीर का रखरखाव करते हैं, शरीर को मेंटेन करते हैं, शरीर की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने, तो बाहरी रूप से। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी जो है भौतिकवादी व्यक्ति। इसलिए जो मायावादी होते हैं या ज्ञानी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, जो सेकेंड कैटेगरी के, जो आत्मबुद्धि में है, वो लोग कई बार भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं, ये बोल के कि ये लोग भी फ्रूटिव वर्कर है। फ्रूटिव वर्कर मतलब ये लोग भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, बाहरी दृष्टिकोण से उनको ऐसा लगता है। जैसे शुद्ध वैष्णव जब सन्यासी भी होते हैं, तो भी वो मटेरियल फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण के मिशन को पूर्ति करने। तो अगर कृष्ण के मिशन का, जैसे के मिशन के लिए जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाना, सन्यासी जो है वो समुद्र क्रॉस नहीं करता है, एरोप्लेन में नहीं बैठ सकता, विरक्त है ना, वो चप्पल भी नहीं पहनना चाहिए, सन्यासी के लिए रूल है, तो सन्यासी को चप्पल नहीं पहनना चाहिए, वाहन में नहीं चलना चाहिए, पैदल ही पैदल चलना चाहिए, किसी भी साइकिल में भी नहीं चल सकता, ठीक है। और अगर तबीयत खराब होती है तो वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए, ये सन्यासी के रूल है। तो जो जो विरक्त लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो इसको पालन करते हैं, लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, वो इसके एक स्टेप ऊपर होते हैं, वो चप्पल नहीं जूते भी पहनते हैं, केवल धोती कुर्ता नहीं, कोट सूट भी पहनते हैं, टाई भी पहन सकते हैं, सन्यासी की बात करो। और केवल साइकिल छोड़िए, एरोप्लेन में भी चढ़ सकते हैं, जरूरत पड़े तो रॉकेट में भी चढ़ के चंद्र लोक भी जाकर के चंद्र देवता को भी प्रचार कर सकते हैं। आगे के समय में जब भौतिक वैज्ञानिक लोग बनाएंगे ऐसा, तो हमारे इस्कॉन के भक्त फिर उधर भी जाएंगे, अच्छी बात है, बनाने दो, चंद्रयान अगर सक्सेसफुल होगा तो हम लोग फिर जाएंगे उसमें टिकट बुक करके, चंद्रलोक में भी प्रचार करेंगे ना। जैसे अभी अभी गुजरात की सरकार ने
जो ये पनडुब्बे से द्वारका का, द्वारका नगरी है ना, हाँ वो उसका भी प्लान बना रही है हाँ पनडुब्बी निकालने बना का। है तो हम नीचे भी जाकर प्रचार कर सकते। हाँ कीर्तन के हाँ तो सही बात है। तो इसलिए कीर्तन वैष्णव सन्यासी जो होते हैं वो हर वो फैसिलिटी, हर वो आविष्कार, किसी का निंदा नहीं करते हैं। क्रिटिसाइज जो प्रभुपाद जी ने मटेरियल साइंस का किया वो आविष्कार को नहीं किया, वो तो मेंटेलिटी को किया प्रभुपाद जी ने। क्योंकि एक बार एक रिपोर्टर ने पूछ भी लिया कि आप इतना मॉडर्न साइंस को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन आप खुद भी तो एरोप्लेन में चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उत्तर दिए यस। आप पहले वो उसने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद ये जो आप बोलते हैं स्वामी जी ये मटेरियल एडवांसमेंट सब यूजलेस है। प्रभुपाद जी बोले यस यूजलेस है। तो फिर उसने प्रश्न पूछा कि आप फिर एरोप्लेन में क्यों बैठ के आते हैं, मटेरियल एडवांसमेंट भौतिक विकास का ही तो संसाधन है ना। बोले टू मेक इट यूजफुल, इसको उपयोगी बिल्कुल बनाने के लिए। वैसे तो ये यूजलेस है क्योंकि लोगों ने इसका आविष्कार किया है भौतिक भोग को बढ़ाने के लिए और इंद्र तृप्ति करने के लिए और पाप करके नरक में जाने के लिए, लेकिन इसको कृष्ण की सेवा में लगा के इसको उपयोगी बना रहा हूँ। तो ये होते हैं जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, ब्रज का जो भार है। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं, रूपा जी हैं, श्रील भक्तिदान सुखी ठाकुर और जितने भी आचार्य हैं, वास्तव में वो रियल ब्रजवासी, वो असली ब्रजवासी हैं। क्योंकि उनके अंदर भाव वही है जो गोपियों के अंदर भाव है कि कृष्ण को सुख देने के लिए जो भी स्वीकार करना पड़े स्वीकार करते हैं, और कृष्ण को अगर किसी से दुख मिलता है या प्रसन्न होते हैं तो उसको उसे रिजेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसमें रिजेक्शन में त्याग में त्याग भी आता है। यानी भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो त्याग को भी त्याग कर सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे, वही तो बताया हम। क्योंकि जो भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, ब्रज के भाव नहीं रखते हैं, वो लोग त्याग करते हैं, त्याग के प्रति आसक्त होते हैं। भगवान के शुद्ध वैष्णव त्याग से भी को भी त्याग करने की शक्ति रखते हैं। यानी अगर जरूरत पड़ा तो अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, विरक्त रहते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ा कृष्ण की सेवा के लिए, मिशन के प्रचार के लिए, तो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सुधी ठाकुर का एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि अगर अगर मैं ये गारंटी रहे कि जो पुत्र मैं पैदा करूंगा वो शुद्ध भक्त होंगे कृष्ण के, तो मैं 100 बार भी मैथुन सुख कर सकता हूँ। तो है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी रहे पूरा, लेकिन जो वही दूसरे जो निराकार ब्रह्मवादी मायावादी सन्यासी होगा तो वो तो इस थॉट वो कभी ये सोचेगा नहीं। वो सोचेगा मैं सन्यासी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं पूरी तरह से त्यागी हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वैष्णव उस तरह से नहीं होता। वैष्णव अगर किसी चीज का जरूरत है भगवान की सेवा के लिए उसको स्वीकार कर सकता है। तो ये अंतर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गोपियों का वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। इसीलिए गोपियों की लीलाओं को अगर हम कभी सुने, वैसे तो प्रमाणिक स्रोत से सुनना चाहिए, भागवत प्रमाण है, इधर उधर नहीं सुनना चाहिए। जो प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं उनके द्वारा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हम उनके द्वारा सुनेंगे भौतिक चीज फिर हम भौतिक आरोपण कर देंगे। इसलिए अगर कभी ऐसा दिखने में मिले कि भगवान का कोई शुद्ध भक्त है या गोपियां हैं ब्रज के भक्त हैं वो कुछ भौतिक तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो समझना चाहिए उसके पीछे भाव क्या है। तो निश्चित रूप में वो कृष्ण को सुख देना, सुख मिलेगा उससे, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसलिए कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। अब इसी चीज को एक और भागवत से श्लोक लेकर के प्रमाणित कर रहे हैं। ये जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक है, जो भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया। जब भगवान कृष्ण वापस आ जाते हैं, रासलीला में वापस प्रकट होते हैं, तो गोपियों को ये श्लोक बोलते हैं। एवं मदर्थो जित लोक वेदा स्वानाम ही वो मई अनुवृत्त बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम माशु इतुम मार्हत तत् प्रियम प्रिया। ओ माई बिलेवड गोपीज, यू हैव रिनाउंस सोशल कस्टम्स स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस एंड योर रिलेटिव फॉर माई सेक मदर्थे त्यक्त। ये कपिल देव जी भी बोलते थर्ड कैंटो में, आई डिसअपियर्ड बिहाइंड यू ओनली टू इंक्रीज योर कंसेंट्रेशन अपॉन मी, सिंस आई डिसअपियर्ड फ्रॉम योर बेनिफिट यू शुड नॉट बी डिसप्लीज्ड विथ मी। भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरी गोपियां, आपने मेरे लिए फॉर माई सेक मदर थे, मेरे बुलाने पे मुझे सुख देने के लिए आपने हर प्रकार के सोशल कस्टम यानी जो सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक सदाचार है, मर्यादाएं हैं, उनको आपने त्याग दिया। स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन, शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस को भी, इंजंक्शंस को भी आपने परवाह नहीं किया, और अपने रिलेटिव्स को भी, और सबसे क्लोज रिलेटिव कौन है, हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन, उनको भी आपने त्याग दिया मेरे
मेरे हेतु। तो इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर के मैं जो है आई डिसअपीयर बिफोर बिहाइंड यू ओनली टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन अपॉन मी। इसलिए आपके हृदय में मेरे प्रति तीव्र जो ध्यान उत्पन्न करने के लिए, तीव्र स्मरण, तीव्र प्रेम उत्पन्न करने के लिए, मैं आप पे कृपा करने के लिए मैं रासलीला से अप्रकट हो गया। इसलिए ये जो अप्रकट हुआ मैं, ये आपके लाभ के लिए है, इसलिए आप मुझसे अप्रसन्न हुए। वापस आने के बाद भगवान ऐसा वर्णन कर रहे हैं, यानी बिल्कुल ये श्लोक में मेन चीज ये है, भगवान भी यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि गोपियां मद अर्थ एवं मद अर्थ उज्जित लोक वेदा एवं, इस प्रकार से मेरे लिए, मेरे खातिर उज्जित लोक वेदा। उज्जित मतलब त्याग दिया है, इस संसार के लोक और वेद के जितने भी रीति रिवाज हैं या सदाचार हैं या धर्म है, कर्तव्य है, उस सबको आपने त्याग दिया। स्वनाम ही वो मई अनुवृत्त अबला, इस प्रकार से भगवान भी यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। तो क्योंकि विष्णु प्रतिज्ञा एक आचे पूर्वाहिते ये ऐसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा प्रसंग चालू हो रहा है, तो अभी टाइम नहीं है, तो हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इसका बस मैं हिंट दे देता हूँ कि भगवत गीता में भगवान ने एक प्रतिज्ञा किया था, वचन, हम जानते हैं ना भगवान परम सत्य हैं, एक बार प्रतिज्ञा कर दिए वो है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन ये गलत हो, गीता में भगवान बोले, प्रतिज्ञा किए कुछ, लेकिन गोपियों के सामने वो गलत हो। वो क्या प्रतिज्ञा किया और ऐसा क्या हो गया कि गलत हो गया, भगवान का प्रतिज्ञा भंग हो गया, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी जैसे ही कुछ कर्म बिल्कुल करते वक्त हमें वो एज पर आध्यात्मिक वो कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक में गलत माना जाता है, बट उसका दूसरा कोई सोर्सेस नहीं है, वो बंदा वो कर्म करता है बट वो कर्म का फल भगवान को अर्पण करता है, तो क्या वो कर्म सही है या गलत है? एक्चुअली मैं हमको जो कर्म हम करते हैं अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए, पालन पोषण के लिए, तो वो शास्त्र के विधि के अनुसार होना चाहिए, शास्त्रों के विरोध नहीं जाना चाहिए। गोपियों का जो केस है वो डिफरेंट है, हम लोग उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दो चीजें, एक तो हम बद्धावस्था में अभी हैं, और दूसरी बात गोपियों ने अगर किसी भी चीज का त्याग किया या कोई दिखने में ऐसा कुछ लगता है कि उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध में जाके कार्य किया, तो वो कृष्ण की इच्छा से, यानी कृष्ण को प्रसन्नता प्रसन्न करने के लिए। तो हम अपने में नहीं उदाहरण लगा सकते कि हम भी जो है संसार का भी हम क्या करें, हम कोई कर्तव्य करते हैं, जैसे किसी का मान लीजिए नॉन वेज का रेस्टोरेंट, तो ये नहीं बोल सकता कि मैं क्या करूँ, नॉन वेज का रेस्टोरेंट है बनाना पड़ेगा, जो भी इसका फल आएगा उसको मैं कृष्ण को अर्पण करूँ, तो ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए जो भक्त है, स्पेशली जो भक्त है, जो नए लोग हैं भक्त नहीं है, तो ठीक है कम से कम वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है आप कुछ भी कर रहे हो तो भगवान को अर्पण तो करो, धीरे धीरे शुद्ध होगा तो चेतना वो कर सकते हैं। जो भक्त हैं उनको विशेष रूप से केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि उनका भौतिक कर्तव्य भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो चार नियमों को तोड़ता हो, क्योंकि अगर चार नियमों को तोड़ने वाला कोई भौतिक कर्तव्य करेंगे तो वो अपराध होगा, नामा अपराध में आता है, और इससे हम जो है भगवान की भक्ति में शुद्ध भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, भक्तों को सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ये चारों प्रकार के जो नियम है, विशेष रूप से जो जुआ है या नशा है, नॉन वेज है, इस प्रकार का हमको जॉब या इस प्रकार का धंधा